हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन 51 मैच लिस्ट वन एंड सेकेंड, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कल्टीवेशन कहाँ पे फॉलो होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन है 51 का ए। वेस्टर्न घाट में आपका कुमारी फॉल होता है और साउथ ईस्ट राजस्थान में वॉल्टर होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम होता है और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया होता है। देन नेक्स्ट भी हमारा 52, ये भी मैच द फॉलोइंग है, रेशन और एल्यूमिनियम कंपनी को इसमें मार्क आउट करना है। देन इसका हमारा ऑप्शन बी है सही। 53 में हमारा क्वेश्चन है, ये भी सेम मैच द फॉलोइंग है 53rd, पर इसका ऑप्शन ए सही है। 54th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स इज यूज एज एन इनलैंड वाटर वे इन सदर्न जर्मनी, और इसका आंसर हमारा लुडविग्स कैनल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लार्ज कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील आर कॉल्ड, इसका आंसर हमारा वेजरिंडस है, ठीक है, वेजरिंडस। देन 56 क्वेश्चन, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल, तो इसका आंसर ब्रेन है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हुज आर नॉट फाउंड, तो इन जैकाल हुज आर नॉट फाउंड। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, इसका आंसर सही है। ठीक है, इसमें भी कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है, सी लाइक हमारा आर्टिफिशियल, सिल्क हमारा नेचुरल है। देन नेक्स्ट हमारा हॉर्मोन्स के बारे में, ओम के फंक्शन है, तो इसका ऑप्शन हमारा जो डी है ऑप्शन, ये हमारा गलत दिया है, पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो हमारा डी है गैस्ट्रिन, ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है यूरिया, तो यूरिया हमारा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है, रानी झांसी मैरी टाइम नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड इन, तो ये हमारा कब हुआ था, ये हमारा 1996 में हुआ था। नेक्स्ट है, द स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टन की वजह से उसमें से स्मेल आती है। देन नेक्स्ट है 64, अजम्पशन देना है और इसका रीजन है ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, और रीजन दिया है स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डिजास्टेस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। बोथ ए एंड आर आर टू ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन 64 के बाद 65, इसमें जो हमारा विटामिन सी है इनके रोल दिए हैं, वही फंक्शन हो गया, तो विटामिन डी वाला एंटी स्टरिलिटी जो लिखा हुआ है इसमें, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस, तो वो गॉइटर होता है, इसके वजह से होता है। फिर इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स इज अबंडेंट इन ग्रेप्स टैमरिंड एंड बनाना, तो ये टार्टरिक एसिड होता है हमारा जो इसमें अबंडेंट होता है, इन तीनों चीज़ों में पाया जाता है बहुत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स वुड प्रोड्यूस मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन होता है, ये बहुत कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। फिर यह कि आपका जो लार्जेस्ट ब्रेन और बॉडी का प्रोपोर्शन है किस एनिमल का होता है, तो वो डॉल्फिन है। फिर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइसली बाय द अर्थ फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट है इसका।
डॉपलर फिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वॉट कैपेसिटी इन अ टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 20 आवर्स। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 10 यूनिट्स। ठीक है। इफ यू अनसैचुरेटेड इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, तो उसमें जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज होता है। फिर है हम मोबाइल फोन चार्जर इस, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। फिर हमारा द स्टोन्स प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ फैट। फिर हमारा विजन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज, तो हमारा राइट ब्लाइंडनेस है तो हमारा एक जेनेटिक डिसीज नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 पे दिया है कि हमारा एज पर 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिकॉर्डेड डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो नागालैंड है। फिर से ये अजम्पशन और रीजन है, इसका आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट है, अकट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ड्यू टू टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन है 79, 79 का इसमें आंसर है बी। इसमें भी हमारा प्रोडक्ट है और उनके सोर्स कहाँ से मिलते हैं उस पर टिक करना है। जरा 80, टेलीविजन व्यूवर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स डू नॉट रिसीव सिग्नल्स ड्यूरिंग रेन बिकॉज, तो इसका हमारे ये सारे रीजन होते हैं। स्मॉल एंटीना साइज रेन ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी और रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पोज द एनर्जी, ये तीनों हमारे इसके आंसर हैं। फिर 81 पे आते हैं, SEZ इंडिया मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च इन जनवरी 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, विच इंडियन विच बैंक हैज बीन इस्टेब्लिश इन चाइना बाय ब्रिक्स कंट्रीज, तो हमारा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ है। देन अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। देन इसका हमारा 83rd का आंसर 1 है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, देन आपका मेक इन इंडिया, देन अटल पेंशन, देन सुकन्या समृद्धि योजना। देन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 कवर्स, ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को कवर करता है। फिर टारगेट टू रिड्यूस द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग 11th प्लान वॉज, ये हमारा बी ऑप्शन है, 28 पर 1000 लाइफ पर। फिर सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद, तो सक्षम का आंसर है हमारा सी। अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टअप कैन बी फुलफिल्ड थ्रू, इसका ऑप्शन हमारा डी है। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर एस्टिमेटिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका आंसर डी है, लेजर। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च की थी, इसका जो पार्ट है इसमें कौन सा नहीं आता है, तो उसमें सूफी सर्किट नहीं आता है। देन है, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 मिनिमम वेज अनस्किल्ड लेबर की कितनी होनी चाहिए, तो वो 7400 पर मंथ होनी चाहिए। देन हमारा विचार होता है, फॉलोइंग स्टेट इज रैंक इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो, आपने बहुत बार
पीएम नरेंद्र मोदी से सुना होगा कि हरियाणा के बारे में बोलते रहते हैं कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट करो, तो हरियाणा हमारा है। फिर हमारे अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी प्राइवेट मेडिकल सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया फॉर 70% हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारा केवल फर्स्ट और सेकेंड है जो सही है, बाकी गलत है। देन 94th, कहाँ का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट? ये हमारा मेरठ का है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनते हैं। मैच बॉक्स हमारी बरेली बनती है। देन हमारा ये रहा हमारा ऑप्शन थर्ड जो सही है। ब्रास वायर हमारी वर्किंग क्वेश्चन नंबर 94 के थे। 94th तो स्पोर्ट्स गुड हमारे बरेली में बनता है, मैच बॉक्स सॉरी स्पोर्ट्स गुड मेरठ में बनता है, मैच बॉक्स बरेली में बनता है, ब्रास वायर हमारा सबसे मेरठ के अंदर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। और फिर हमारा जो ब्रास वायर है वो मुरादाबाद में है और वुड कार्विंग सहारनपुर में है। फिर है कि इन विच ईयर यू नो अडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पुअर्टी, तो वो इन्होंने 95 में अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्कीम्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग। इस बार पेपर में इस ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, उसका आंसर 1, 2, 4, 3 है। करें कि फर्स्ट समिट कहाँ पर हुआ था यूनेस्को का सोशल डेवलपमेंट का, तो वो हमारा कॉपी हेगन में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड सोशल ड्रेस टू द चिल्ड्रन। ये हमारा क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम, तो वो हमारा सी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बुक्स एंड स्कूल ड्रेस टू द चिल्ड्रन। ये इसमें नहीं आता है, नॉट पूछा है। फिर हमारा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो स्वच्छ भारत अभियान सही नहीं है क्योंकि इसमें सफाई के बारे में बोला था लेकिन सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में नहीं बोला गया था। एंड 100 क्वेश्चन है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 15 से 16, ताकि हमारा ये चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इसके बारे में बताइए ये किससे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन था हमारा मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिंग विदाउट एग्जिस विदाउट एग्जिट। ओके ये इसका। देन क्वेश्चन नंबर 101 जाते हैं, इसका है हमारा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मिताली राज इन वुमेन्स वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। इन्होंने 6000 रन स्कोर किए थे, इनकी शी स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन अ डेब्यूट। फिर शी होल्ड्स द
रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग 7 कॉन्सिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज। द नेक्स्ट है कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो यूएस और इंडिया के साथ किसने ज्वाइन की थी, वो जापान ने ज्वाइन की थी। फिर पूछी गई है इंडिया की रैंक कितनी 2017 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, 116 है। फिर द फर्स्ट डेमू ट्रेन ऑफ इंडिया विद सोलर पावर्ड कोचेज वॉज लॉन्च ऑन 14 जुलाई 2017 एट, ये हमारा है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, यहाँ पे स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है हमारा 2017 डान डेविड प्राइज इन फ्यूचर कैटेगरी किसको मिला है, ये हमारा श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है। तरह की हमारा फीफा 2017 कौन जीतती थी, कौन सी कंट्री जीतती थी, जर्मनी जीती थी। फिर आया कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 समिट, इसके बारे में कौन सा सही है, तो इसमें केवल फर्स्ट थर्ड पॉइंट ही सही है। देन नेक्स्ट है हु हेड्स अ पैनल ऑन इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2017 बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये हमारे ये कस्तूरी रंजन थे जिन्होंने किया था। धोला सदिया ब्रिज इनॉग्रेटेड में 2017, इसकी हमारी 9.15 किलोमीटर है। फिर तेजस के बारे में पूछा गया है कहाँ से कहाँ चलती है, तो तेजस हमारी चलती है मुंबई से करमाली। नेक्स्ट शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इंडिया में कहाँ पे, मतलब इंडिया में इंडिया का हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चाइना में, तो ये हमारा अस्थाना में हुआ था। फिर है ब्रिक्स 9th वाला कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिक्स 9th वाला हमारा चाइना में हुआ था। फिर है सबसे डर्टीएस्ट सिटी कौन सी इंडिया की, तो वो गोंडा है। फिर 2016 का सरस्वती सम्मान कैसे दिया गया था, तो वो दिया गया था महाबलेश्वर सेल को। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार थीम क्या था, तो उसका था कि फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग द पीपल डेवलपिंग नेशन। फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे सेटअप होगा, ये यूपी में होगा। फिर फाउंडेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग क्लेम्ड एज इंडिया ग्लोबल स्किल पार्क वाज लेड इन जुलाई 2017, तो ये भोपाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पीस टॉक्स बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीन हेल्ड इन 2017, तो ये पेरिस में हुई थी। फिर तुम्हारा है कि फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज टाइटल, तो ये हमारे श्रीकांत थे। देन फिर मैच द फॉलोइंग आ गया 128th क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है बी। फिर द वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रतिबिंबा, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, 2017 में स्टार्ट हुआ है, किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो ये कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। फिर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर था हमारा नॉर्वे। फिर हमारा होम The following is not included by in the 10 main themes of the union budget for the financial years 17-18. So, iska answer hamara export performance tha. Fir hamara ye kaun sa currently match nahi hai? To ye hamara fluorocarbon automobile se nikalta hai, ye cheez galat hai. Fir the size of respiration suspended particulate matter, ye hamara less than 5 micron hai. कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने फाउंड हैं यूपी में, ये 9 है। फिर है गिव बिलो द आर टू स्टेटमेंट्स, ये असर्शन है और इसका रीजन दिया है 127, और इसका आंसर है ये ए भी सही है और इसका रीजन दिया है वो भी सही दिया है। ये सबसे
ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है? तो ये हमारा ऑब्वियसली जिम कॉर्बेट है। इसको पहले कुछ और नाम रखा था, बाद में जिम कॉर्बेट रह गया। फिर इसको ऑर्डर में प्लेस करना है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन आता है, देन कम्युनिटी आता है, देन इकोसिस्टम आता है, देन लैंडस्केप आता है। 130 क्वेश्चन में हम लोग पहुंचे हैं। 130 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है। तो एंटी टोबैको डे ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। एंटी वाला हमारा गलत है, बाकी तो सही है। नेक्स्ट है कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका आंसर हमारा ए है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है द डिकेड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ यूएन का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। नेक्स्ट है 134, ये भी मैच करना है कि कौन सा गलत है। तो ये हमारा फ्लोराइड आयन इन डाइजेशन में होता है, इसके डिजीज कॉज होती है, तो ये अलग पॉइंट गलत है। फिर है कि विच ऑफ द इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर, तो 0.04% होना चाहिए। देन हमारा अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। फिर इसको हम लोग को मैच ही करना है, तो इसको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, तो फिर उसको डेंजर किससे है, तो वो हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन से है। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी कॉज क्या है, तो उसका ऑप्शन 1 to 4 है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है अजोला मेस, ये हमारे करेक्टली मैच नहीं है। देन है कि आपका इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्लांट बायोमास के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर बी है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर 1980 में किया था। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देन ए क्वारम टू कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग इन लोकसभा, वो आपके लिए 1/10 मेंबर चाहिए हाउस में। फिर इसको हमारा द फॉलोइंग करना है 145, इसका आंसर हमारा सी है। देन पॉलिटिकल फीचर्स जो कि इंडिया एंड यूएसए में कॉमन है, तो केवल जो थर्ड वाला है प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, यही सही है, बाकी गलत है। हो गया हमारे डॉग ब्रीडर को क्या हो गया। हमारे ऑप्शन 147,
47 क्वेश्चन, इसने हम लोग को अजर्शन दिया है, उसका रीजन दिया है। तो इसका है हमारा ए इज ट्रू है बट आर फॉल्स है, ये भी असर्शन और रीजन दिया है। देन इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सरकारी कमीशन के मेंबर कौन इसमें हैं, वो है हमारे एस आर सिंह। देन फिर द मैच द फॉलोइंग, आपको इसमें राज्यसभा की सीटें और सीट्स को मैच करना है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी है, गुजरात का ऑप्शन 11 है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। फिर आपका कर्नाटक में आपकी 12 है, केरला में आपकी 9 है और उड़ीसा में आपकी 10 है। तो हम लोगों ने अराउंड 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं आज पीसीएस के, जो अभी 25th को पेपर हुआ था। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को आपके रिजल्ट के लिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई थिंक अराउंड 130 के आसपास ही होने चाहिए। कुछ कहें?